हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रैनी चैनल पर्पल क्रिएशन। आज इस वीडियो में हम आपके लिए टियर ड्रॉप नेटिंग पैटर्न लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इस पैटर्न के लिए मैंने 25 फंदे डाले हैं और एक दो सिलाई मैंने कर ली है उल्टी सीधी। ये देखिए, अब मैं पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है, सेकंड फंदा उल्टा, ये थर्ड फंदा है। इसमें हमें इस फंदे के हमें पांच बनाने हैं, जैसे इस तरीके से। ये एक, उस फंदे को उतारना नहीं है, ये दो, तीन, चार, ये पांच। इस तरीके से हमें एक फंदे से पांच फंदे बनाने हैं, दो तीन चार पांच। अब तीन फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, एक, दो, ये तीन। इसके बाद फिर एक फंदे से पांच फंदे बनाने हैं, जैसे हमने पहले बनाया। ये देखिए, इस तरीके से एक सीधा लिया, एक उल्टा लिया, एक सीधा फंदा फिर बनाया, फिर एक उल्टा फंदा बनाया और ये एक सीधा फंदा। ये पांच, एक फंदे के पांच फंदे बन गए। और फिर तीन उल्टे हमें बनाने हैं, तीन उल्टे बनाने हैं। एक बार और मैं आगे बता देती हूँ आपको, तीन ये उल्टे बन गए। अब फिर एक फंदे से पांच फंदे बनाने हैं। ये देखिए, एक सीधा फंदा निकाला, उल्टा फंदा निकाला, ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा। ये पांच फंदे हो चुके हैं, तीन फंदे उल्टे बनाने हैं और इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करनी है।
ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होने वाली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। देखिए जो हमने फर्स्ट रो में उल्टे बुने थे वो सेकंड रो में रॉन्ग साइड में सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए अब ये दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं और ये पांच फंदे हमने जो बढ़ाए थे इन्हें उल्टा बुनना है रॉन्ग साइड पे। एक दो तीन चार पांच, तीन फंदे सीधे बुने जाएंगे। पांच फंदे उल्टे बुने जाएंगे जो हमने बढ़ाए हैं। तीन फंदे सीधे बुने जाएंगे। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। पहला फंदा सीधा ही बुना जाएगा जैसे कि हमने फर्स्ट रो में बुना था। दूसरा फंदा उल्टा। ये पांच फंदे जो हमने बढ़ाए थे ये सीधे बुने जाएंगे। तीन फंदे उल्टे। ये पांच फंदे सीधे और इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट होगी।
रॉन्ग साइड पे भी हमें उसी तरह बुनना है जैसे कि हमने सेकंड रो बुनी थी। दो सीधे, पांच उल्टे, तीन सीधे, और इसी तरह से ये दोनों तरफ से रो, सातवीं रो पर फिर डिजाइन चेंज होगा। अब इस रो में हम अपना पैटर्न बनाते हैं पूरा। ये देखिए, ये सात रो कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए, फर्स्ट फंदा सीधा, सेकंड फंदा उल्टा। अब इस पांच फंदे को हमें घटाने हैं। ये देखिए, पांच फंदे को तीन करने हैं। इस सिलाई से फंदे को पहले ऐसे उतारा एक फंदा, फिर सेकंड फंदे को बुनेंगे और उतारे हुए फंदे को इस फंदे के ऊपर से चढ़ाते हुए निकाल देंगे। ये थर्ड फंदा बुन लेंगे और ये दो फंदे जो हैं इनका एक करना है, तो इधर से ऐसे सिलाई डाल के इसका दो का एक करना है। ये देखिए, हमारे पांच फंदों में से अब ये तीन फंदे रह जाएंगे और ये तीन फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे।
पांच के अब तीन करने हैं। एक फंदा उतारा, एक बुना, इस फंदे को इस पे से उतारते हुए दो का एक हो गया, और थर्ड फंदा बुना जाएगा और ये दो के एक हो जाएंगे, ये दो के एक हो जाएंगे। इस तरीके से ये तीन फंदे हो गए, पांच में से ये तीन फंदे हो गए। अब तीन फंदे जैसे हमने बुने हैं वैसे ही उल्टे ही बुने जाएंगे। एक बार और मैं बताती हूँ, ये देखिए फर्स्ट फंदा इस तरीके सिलाई डाल के उतार लिया, सेकंड बुना है, फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार दिया, थर्ड फंदे को सीधा बुना और इन दो फंदों को दो का एक करना है। इस तरीके से सिलाई डाल के ये दो का एक हो जाएगा। इस तरीके से पांच के तीन हो जाएंगे और पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करनी है। अब रॉन्ग साइड में हम आ गए हैं। फर्स्ट दो फंदे सीधे बुने जाएंगे और जो पांच फंदे थे तीन रह गए हैं तो तीन उल्टे बुने जाएंगे और इस पूरी रो में तीन उल्टे तीन सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए तीन उल्टे और ये तीन सीधे, इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी, तीन उल्टे तीन सीधे। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। फर्स्ट फंदा सीधा बुना जाएगा, सेकंड फंदा उल्टा और एक फंदा बगैर बुने उतारना है। अब तीन फंदों के एक करना है। ये देखिए दो का एक करके जो उतारा फंदा है इस पे से उतार दिया जाता है, तीन के अब एक रह जाएगा। ये देखिए एक टियर ड्रॉप कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद एक उल्टा बुनना है, जो हमने तीन उल्टे बुनते थे उसमें से एक उल्टा और बीच वाले फंदे में से एक के पांच बनाने हैं, जैसे कि हमने पिछले रो में बनाए थे एक फंदे से पांच, इसी तरीके से इसमें भी अब एक फंदे से पांच बनाने हैं। दो ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा। ये देखिए पांच फंदे बन गए हैं। अब एक उल्टा
अब इन तीन फंदों का एक फंदा करना है, ये ऐसे बगैर बुने उतारना है, दो का एक और उस फंदे को इसमें से उतारते हुए एक बनाना है। अब एक फंदा उल्टा, इस फंदे से पांच फंदे बनाने हैं। सीधा एक, उल्टा दो, तीन, चार, पांच। इस तरीके से नई ड्रॉप शुरू हो जाएगी। एक उल्टा, एक बगर होना उतारना है, ये दो के एक करने, इसी तरह ये पूरा पूरी रो कंप्लीट करनी है। अगर आपको मेरी ग्रैनी की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।